एक तो 100 बैड का रीहैब बनावांगे। नशे तो परे हट के जड़ा कि चंगे राह पैणगे, ये जिहड़े इत्थे पहुंच जाणगे वो तो गरंटी है। जिहड़ा डॉक्टर बलबीर सिंह दे नाल मिल के 5 इहो जिहे रीहैब सेंटर पंजाब दे विच खोल रहे, जिहड़े बंदे सप्लाई कर रहे उन्हां नूं फड़नगे तो पिछे पता लगेगा ना तुरा कौन है। राज सभा मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी वालों अज नशा छुड़ाओ केंद्र का जरा दौरा किया गया, जिसे खास तौर पर अजीतपाल सिंह कोहली तो कैबिनेट मंत्री जो डॉक्टर बलबीर सिंह भी मौजूद सन। सो असी गलबात कर लगा सर, अज दौरा किया की कुछ देखा खास तौर पर? डॉक्टर बलबीर सिंह जी ऑनरेबल हैल्थ मिनिस्टर पहुंचे ने सकेट डी एडिक्शन सेंटर, तो असी इन्होंने होर हाथ मजबूत कर रहे। अजीतपाल कोहली जी भी आए हैं MLA साहब, तो ये डी एडिक्शन ये रीहैब सेंटर है, जिवें असी अमृतसर दे स्वामी विवेकानंद रीहैब सेंटर चला रहे हैं, तो ये अज सारा मुआयना किया मंत्री साहब ने नाल, असी सहयोग दे रहे नूं। एक तो 100 बैड का रीहैब बनावांगे, हुण 30 बैड ने, और ये नाल ही इत्थे स्किलिंग दे जिहड़े 6 कोर्स शुरू करांगे ताकि बच्चों नूं जिहड़े डी एडिक्शन तो बाद रीहैब करके आ रहे वो कोई ना कोई स्किल सीख सकन। स्पोर्ट्स का शाम नूं जिमिंग नूं होर स्ट्रेंथन करांगे, लाइब्रेरी, मोटिवेशनल फिल्म, म्यूजिक, वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां वो मिलके करांगे। नशे नूं लैके खास तौर पर पंजाब सरकार भी वचन मानदा भी नशा जिहड़ा पंजाब चों खत्म करना, तुसीं दौरा कीता कि तुहानूं लगदा भी अज्जे जिहड़े नौजवान ने नशे तों परे हट के जिहड़ा कि चंगे राह ते पैणगे? ये जिहड़े इत्थे पहुंच जाणगे वो तो गरंटी है, मैं साड़ी तो मंत्री साहब दी अजीतपाल दी भी वह चंगे राह पै जाएंगे, पर प्रॉब्लम है भी किन्ने इत्थे पहुँचणगे तो वह छड्डणगे किवें, क्योंकि हुण सारा असी मैं तो डॉक्टर बलबीर सिंह जी ने एक एक बच्चे नूं मिले हाँ, उन्होंने अपनी दर्दनाक कहानी दसी है, वह हुण किवें लग पए लत किवें, वह कहिंदे कई पिंडां च मिल रहा है, ये बहुत वड्डी एक प्रॉब्लम है। इहनूं कई जगह गौरमेंट ने पंजाब सरकार जो तो हुण 2 सालों तो आई है, इन्होंने बहुत उन्हूं नत्थ पाई है, पहलां तो अवेलेबिलिटी घटानी पेगी है, बॉर्डर स्टेट तो ड्रोन तो आ रहे हैं, हुण उहदी रिपोर्ट आई NIC की, उत्थों करना पेगा, पर ज़्यादा बच्चों नूं असी जिहड़ा डॉक्टर बलबीर सिंह दे नाल मिल के 5 इहो जिहे रीहैब सेंटर पंजाब दे विच खोल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਮਗਰ ਮੱਛ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੈਕ ਡਾਊਨ, SIT ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਤੋਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ MLA ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਣ।